Hi guys, welcome back to another session on economics. Today we start off with module number 4 of your economic syllabus. We start off with the first chapter of module 4, chapter number 11 hai exchange rate determination. Hai na? Hum log ne previous lectures mein, previous video classes mein hum log ne ye padha hai ki what is the meaning of foreign exchange. आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट और हाउ इज एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड. एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है. ओके, नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड विल ऑलवेज हैव एक्सचेंज ऑफ करेंसीज. कभी भी एक्सचेंज ऑफ करेंसीज होगा और होगा ही. हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है और हम लोग बार बार एक ही एग्जाम्पल लेंगे. यहां पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे इंडिया यूएस का. आई एम श्योर यू नो दैट व्हेन इंडिया ट्रेड्स विद यूएसए देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन डॉलर एंड आईएनआर. देयर इज ऑलवेज एन इंटरेक्शन बिटवीन डॉलर एंड आईएनआर. इट हैज टू बी देयर, है ना, राइट ऑल ऑफ यू. नाउ देयर आर टू करेंसीज इन्वॉल्वड हियर. इंडिया डज नॉट नेसेसरीली ट्रेड यूएस के साथ ओनली. इंडिया ट्रेड्स विद यूरो. इंडिया ट्रेड्स विद यूरोप, आई मीन इंडिया ट्रेड्स विद जापान. इंडिया ट्रेड्स विद चाइना ऑल्सो. इंडिया ट्रेड्स विद अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज. एवरी कंट्री माइट हैव इट्स ओन करेंसी. इट माइट ऑल्सो एक्सेप्ट डॉलर बट इट माइट ऑल्सो हैव इट्स ओन करेंसी. सो वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर इंटरनेशनल ट्रेड एंड दैट इज How do we decide what is the rate at which INR should be converted to rupee as a dollar and dollar should be converted to INR? At what rate? That is what is the emphasis of whatever we are going to study in module number 4. Theek hai? मॉड्यूल नंबर 4 में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे. पहले आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन से. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीआई किस तरह से एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखता है. एंड फाइनली एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन की जो थियरी है वो थियरी क्या है. सबसे पहले व्हाट आर वी सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू डिफाइन व्हाट इज एन एक्सचेंज रेट और रेट ऑफ एक्सचेंज. Simple, if I say that $1 is equal to 45 rupees, this is the rate of exchange. So, it is the price of one currency in terms of other currencies or other countries' currencies. Price of one currency in terms of other currency or other currencies is called as exchange rate or rate of exchange. Right? All of you, what is the exchange rate or what is the rate of exchange? This is the definition. It is defined as the price of one currency in terms of other currencies or currencies of other countries. Theek hai? Whenever we talk about rate of exchange, the one concept that we all have to recall, remember and understand is that of a vehicle currency. हम लोग ने vehicle currency के बारे में previous sessions में पढ़ा हुआ है. It is a standard currency, है ना, internationally accepted currency, accepted by many countries in the world, majority countries in the world. So it is a standard internationally accepted currency. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या डालेंगे हम लोग, यूएस डॉलर. और एग्जाम्पल्स कौन से है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन. जापानीज येन हालांकि नहीं है अभी, ये दोनों आप डाल सकते हो. ठीक है, यूएस डॉलर इज द बिगेस्ट व्हीकल करेंसी, राइट ऑल ऑफ यू. यूएस डॉलर इज द बिगेस्ट व्हीकल करेंसी. यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस में इन्वॉल्व्ड है. अपने दुश्मनों के साथ भी वो ट्रेड करता है. एंड दैट इज व्हाई यूएसए एंड इट्स करेंसी इज द मोस्ट इन डिमांड एंड पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड करंटली. ठीक है, ओवर हियर वी एड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ
effective exchange rate, please understand this very carefully, effective exchange rate. ठीक है? What do you mean by the word effective exchange rate? We will also call it EER. One country, हम लोग ने यहां पे example लिया है इंडिया का. इंडिया इज नॉट ओनली ट्रेडिंग विद यूएसए बट इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग विद यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इन ऑल दीज कंट्रीज दे माइट हैव डिफरेंट करेंसीज और दे माइट हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ INR इन यूएस डॉलर. सो वॉट डू वी डू? We assign weights to each currency or each country with whom we have trading relation. Weights assign करते हैं उसको और फिर इस weight को अपने exchange rate के साथ multiply करते हैं. यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में US dollar और INR का भाव क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर और INR का भाव क्या है, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर और USD का भाव क्या है, अकॉर्डिंगली USD INR का भाव निकाला, फिर जापान जाके सेम किया, फिर सिंगापुर जाके सेम किया, फिर दुबई जाके सेम किया, सेम किया, फिर उसके साथ अपना ट्रेडिंग रिलेशन क्या है वो कंट्री के साथ, वो अपन निकालेंगे और अकॉर्डिंगली इसका एवरेज लेंगे, वेटेड एवरेज जिसको बोलते हैं वो लेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि ये अपना आइडियल एक्सचेंज रेट है. सो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट योर वेटेड एवरेज of price in different countries, ठीक है, countries currencies. तो effective exchange rate इसको बोलते हैं जहां पे हम सिर्फ एक country के साथ अपने relation को नहीं लेते, underline नहीं करते, multiple countries के साथ relations लेते हैं और उसको अकॉर्डिंगली वेट्स देके फिर डिसाइड करते हैं कि दिस इज व्हाट शुड बी द आइडियल प्राइस ऑफ अवर करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. राइट ऑल ऑफ यू. अब ये जो ईआर है ना, ईआर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ईआर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है. Nominal NER, real RER. Nominal effective exchange rate का मतलब होता है, nominal effective exchange rate का मतलब होता है whatever is the rate that is currently going on in the market, जो दिखता है वो rate, ठीक है. So nominal exchange rate is that rate which is currently being quoted in the मार्केट, जहां जो भी करंटली कोट हो रहा है मार्केट में वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है. तो सर रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट ऑल्सो एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है. रियल एक्सचेंज रेट जो होता है ना वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके होता है, प्राइस एडजस्टमेंट्स के हिसाब से होता है. दिस इज समथिंग दैट इज ऑन द बोर्ड विच इज सीन और शोन एंड दिस इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, फॉर प्राइस चेंजेस आई विल से. Right, all of you, samjha? Nominal is something that is being shown to us, seen, which is visible now, which is already there on board. And real is something which is adjusted for inflation. So, ye dono type ki rate hoti hai, zyada tar dealing nominal mein hota hai. But kabhi kabhi hum logo ko economic growth, economic development measure karne ke liye real effective exchange rate bhi janna zaruri ho jata hai. एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट की कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई डू वी हैव टू फोकस सो मच ऑन एक्सचेंज रेट? एक कंट्री की करेंसी होती है ना, वो इंटरनली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कंट्री की करेंसी का स्ट्रेंथ है ना, उसका ट्रेड स्ट्रेंथ बताता है. अगर एक कंट्री की करेंसी पावरफुल है, जैसे आज यूएस की करेंसी पावरफुल है, यूएस डॉलर, तो दैट मीन्स वो कंट्री बहुत ज्यादा डिमांड में है, चाहे वो इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो कंट्री कमांडिंग पोजीशन में है. हमारा INR शायद यूएस के सामने कमांडिंग पोजीशन में नहीं है,
अफ्रीकन कंट्रीज के सामने हो सकता है जब हम लोग अफ्रीकन करेंसी इसको इंडियन करेंसी के साथ कंपेयर करेंगे। सो एक कंट्री की करेंसी जो होती है ना वो उसका स्ट्रेंथ बताती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका स्ट्रेंथ क्या है। जितनी करेंसी स्ट्रांग होगी या जितनी करेंसी एक लेवल में मूव करेगी ना उतना उस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड वाइज हेल्थ काफ़ी अच्छा है। दिस इज वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट्स, राइट ऑल ऑफ यू। ओके नाउ व्हेनेवर वी कम टू दिस पर्टिकुलर द डिटर्मिनेशन पार्ट, ओके वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट most of the times whatever we are dealing with is equilibrium exchange rate. What we are dealing with is what rate? Equilibrium exchange rate. तो equilibrium exchange rate को यहाँ पे छोटा लिख देता हूँ, EER के साथ कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि इसका भी EER हो जाता है। यहाँ पे EER मतलब इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। आप लोगों को अगर याद होगा, I hope हो, तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में और उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली डिमांड एंड सप्लाई में, डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम? वी से दैट इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन मार्केट वेयर व्हाट एंड व्हाट हैपेंस, वेयर व्हाट एंड व्हाट हैपेंस, वेयर डिमांड is equal to supply, है ना? Demand is equal to supply, बराबर, right? So equilibrium rate or equilibrium price is the price at which demand is equal to supply. So उतने ही लोग बेचेंगे जितने लोग खरीदेंगे और जितने खरीदने वाले हैं उतने ही बेचने वाले हैं, ज्यादा कहीं भी नहीं होगा, right? All of you, are you getting the point? श्योर। सो फॉरेक्स मार्केट में जो नॉर्मल डे टू डे डीलिंग होती है ना वो इक्विलिब्रियम लेवल पे आके ही होती है। एंड येस आई जस्ट सेड समथिंग, प्लीज प्लीज मार्क इट, फॉरेक्स मार्केट फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का भी क्या है, का भी मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज भी क्या है, हम लोग ने प्रीवियस वीडियोज में भी पढ़ा है और आज मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ कमोडिटी, जस्ट लाइक यू हैव दाल, यू हैव राइस, you have wheat, you have bajra, you have gold, you have metals, you have petrol and oil, similarly you also have dollars, you also have euros, pounds, etc. All these are also considered to be commodities when it comes to trading, just like a market. So just like other markets, even foreign exchange market will have an equilibrium, and that will be the stage at which the demand of any currency will be equal to its supply. कोई भी करेंसी की जो डिमांड होगी एक पर्टिकुलर कंट्री में वो उसकी सप्लाई के बराबर होगी, दैट इज वॉट इज फॉरन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम। समझा वॉट विल बी फॉरन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम ऑल ऑफ यू? श्योर 100% कन्फर्म? ओके सो गाइज इफ यू रिमेंबर हम लोग मैं थोड़ा बोर्ड रब करता हूँ, मैं ना ये साइड रब कर रहा हूँ, देखो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। If you remember, 12th standard में ना और obviously उसके बाद भी multiple times आपने एक concept पढ़ा होगा, है ना? वो concept of equilibrium में याद है आपको? हम लोग demand supply बनाते हैं, है ना? Demand is always what? Coming down, downward sloping, है ना? Supply is always upward sloping, याद है कि नहीं है? है ना? तो supply is always what? अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, सप्लाई स्टार्ट होता है यहाँ से, ऐसा कुछ ग्राफ अपन ने बनाया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो यहाँ पे भी हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, द कॉन्सेप्ट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना? ये रहा, है ना? तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, हम लोग ने ना कर्व सीखा है, कर्व ऐसा, तो ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व, ये जो बीच में आता है ये क्या है? इक्विलिब्रियम, है ना? तो ये इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? ये इक्विलिब्रियम पे होता है क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। तो ये सप्लाई ये डिमांड दोनों का क्वांटिटी इक्वल है, सो एट दिस प्राइस
this will be the quantity and this will be the price, if I am not wrong. X axis पे quantity आता है, Y axis पे price आता है, ये price पे इतनी quantity demand होगी और इतनी quantity supply होगी. अगर हम लोगों को ये phenomena याद हो तो foreign exchange market में भी same graph बनेगा, सवाल ही नहीं है ना. Demand, supply, price, quantity सब कुछ same ही है ना. तो ये ऐसा कुछ graph अपने को याद रखना है. We will come to this graph a little later, but I just wanted you all to recall this particular graph. ठीक है. So let me rub this section again because we're going to deal with something. हम लोग ने अभी अभी दो words use किए, demand and supply. सर, डिमांड का एंड सप्लाई का आपने को बेसिक डेफिनेशन तो आता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी का डिमांड और सप्लाई कब होता है, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू सी. तो इफ आई टॉक अबाउट फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, वी विल हैव टू पार्ट्स. उसका डिमांड कब आएगा और उसका सप्लाई कब आएगा. ठीक है. Let us talk from a domestic point of view. Domestic मतलब we are all Indians sitting in India, I assume. ठीक है, हम लोग इंडिया में बैठे अभी. So India का ट्रेड रिलेशन है US के साथ, so you will require US dollars. Now आपको लोकली US dollars की जरूरत कब पड़ेगी, आप सोचो. जब आप इंपोर्टर हो, तो यू आर इंपोर्टर ऑफ गुड्स और इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज, यानी कि ओवरऑल अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, जाहिर सी बात है ना, अगर आप यूएस से कुछ भी इंपोर्ट करते हो, तो आपको पे किसमें करना पड़ेगा, डॉलर्स में. आप पे तो डॉलर्स में करोगे ना, आप थोड़ी रुपी में पे कर पाओगे. तो चाहे आप गुड्स मंगाओ या चाहे आप सर्विसेज मंगाओ, आप मंगा रहे हो ना, इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो आपको पे करना पड़ेगा, पे उसकी करेंसी में करना पड़ेगा. तो यहां पे आपको अपना INR लेके जाना पड़ेगा बैंक के पास, आर यू गेटिंग, उससे डॉलर लेना पड़ेगा और सामने वाले को देना पड़ेगा. दैट इज डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, देखो समझा रहा हूं, आपने यूएसए से इंपोर्ट किया, इंडिया आया प्रोडक्ट, आपको यूएसए को पे करना है. क्या पे करना है, यूएस डॉलर. आपके पास अभी क्या है, INR. ये INR लेके आप किधर जाओगे, बैंक के पास. बैंक उस INR का क्या करेगा, बैंक उस INR को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा, यूएस डॉलर आपके पास आएगा, आपको यूएस डॉलर यहां पे पहुंचाओगे, है ना, क्योंकि आपको यूएस डॉलर में पैसे देने. तो एज एन इंडियन, एज अ लोकल, यू आर डिमांडिंग यूएस डॉलर बिकॉज यू हैव इंपोर्टेड. सिमिलर इज द केस फॉर सर्विसेज ऑल्सो. ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये चार्ट. सिमिलर इज द केस फॉर यूनिलैटरल पेमेंट्स ऑल्सो. How? Suppose an American is working in India for his company, but he will get paid not in Indian, he will not get paid in dollars, he will get paid in INR. वो INR में get paid होगा, INR से वो अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवाएगा डॉलर में, जो उसको अपने घर पे भेजनी है. यूनिलेटरल पेमेंट, समझे, है ना. जैसे वहां पे काम करने वाले लोग है, वो कमाते डॉलर्स में, है ना, फिर कन्वर्ट करके इधर भेजते ना, या इधर डॉलर्स आएगा तो फिर वो कन्वर्ट होगा और रूपी में कन्वर्ट होगा. सिमिलरली यहां पे अगर कोई अमेरिकन रहता है तो जाहिर सी बात है, वो क्या चाहेगा, मुझे अपने फैमिली को पैसे पहुंचाने. मुझे अगर अपने फैमिली को पैसे पहुंचाने तो मैं यहां पे जो भी इंडियन रूपीज में कमा रहा हूं वो कन्वर्ट करवाऊंगा यूएस डॉलर में और वहां भेजूंगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट, श्योर, है ना. उसके बाद आता है एक्सपोर्ट, सॉरी, कैपिटल. कैपिटल ट्रांसफर या कैपिटल एक्सपोर्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है. और फाइनली आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस.
ये मैं समझाता हूँ, एक 5 मिनट रुको, यहाँ पे आ जाओ, ये मैं रब करता हूँ। अगर मैंने एज एन इंडियन, अगर मैंने किसी को गुड्स सप्लाई किया होगा, अमेरिका में गुड्स सप्लाई किया, गुड्स बेचा, तो मुझे उसका क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा। डॉलर आया मेरे पास, मैं डॉलर को लेके बैंक में जाऊंगा और बोलूंगा मुझे INR दो, तो मैंने डॉलर सप्लाई किया ना बैंक को, तो एक्सपोर्ट से सप्लाई आता है क्योंकि उतना फॉरेन करेंसी अपने देश में आता है ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यूनिलेटरल रिसीट, अपने पास पैसा आया, कोई अपने अब्रॉड काम करता है तो पैसा भेजेगा तो फॉरेन करेंसी आएगा, है ना, तो सप्लाई बढ़ेगा ना उससे, तो यूनिलेटरल रिसीट्स, है ना। कैपिटल इंपोर्ट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यहां पे भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होता है। सपोज एप्पल एक कंपनी यूएसए का बहुत बड़ा, डिसाइड करता है कि अपने को इंडिया में एक प्लांट डालने का है, बोलता है कि हम $1 बिलियन इंडिया को देंगे प्लांट के लिए, $1 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो पैसा इंडिया में आएगा। इंडिया में क्या आया? $1 बिलियन ना, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली इंडिया में तो डॉलर नहीं चलेगा, तो INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 64 बिलियन INR हुआ, 64 बिलियन INR, वेरी गुड। एप्पल ने मस्त फैक्ट्री डाला, फर्स्ट ईयर में एप्पल को प्रॉफिट हुआ, 100 मिलियन INR, ऑब्वियसली ना प्रॉफिट अभी INR में होगा, प्रॉफिट INR में होगा अभी। चलो 64 करते, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा, 6400 मिलियन INR फर्स्ट ईयर में, 6400 मिलियन INR प्रॉफिट हुआ, ज्यादा हो गया ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है, 64 मिलियन INR प्रॉफिट हुआ। एप्पल कंपनी किधर गए? यूएसए का ना, तो एप्पल ऑब्वियसली क्या सोचेगा, मेरा प्रॉफिट मैं अपने कंट्री में लेके जाऊं, यूएसए में लेके जाऊं, है ना, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट कहां जाएगा? अपने उसके देश में, एप्पल में, यूएसए में वापस जाएगा, मेन कंट्री में, मेन कंपनी में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? पर ये INR लेके नहीं जा सकता, तो क्या होगा, उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा डॉलर में, तो ये पहले लेके जाएगा 64 मिलियन INR बैंक के पास, बैंक को बोलेगा इसका मेरे को USD में कन्वर्ट करके दो, बैंक बोलेगा ठीक है आज के रेट के हिसाब से आपको $1 मिलियन मिल रहा है, एप्पल बोलेगा ओके मैं $1 मिलियन लेके जाता हूं और अपना फॉलो करता हूं। अभी देखो क्या होगा, एप्पल ने जब डिसाइड किया था पैसा आएगा तो पैसा आया, दिस इज कैपिटल इंपोर्ट, पैसा आया। अब एप्पल बोल रहे नहीं मैं पैसा वापस लेके जाऊंगा, तो दैट इज व्हाट कैपिटल एक्सपोर्ट, कैपिटल जा रहा है। कैपिटल जब जाता है ना तो वो देश की करेंसी का डिमांड होता है, कैपिटल जब आता है ना तो अपने देश की करेंसी का डिमांड होता है क्योंकि उसको कन्वर्ट करके लाना पड़ता है, समझा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर्स अबाउट द कंट्री, लास्ट पार्ट। अभी सबको ऐसा लगता है इंडिया इज गोइंग टू बी डेवलपिंग नाउ, इंडिया का डेवलपमेंट बहुत होने वाला है, इंडिया में बहुत सारे अच्छे स्कोप्स है डेवलप करने के लिए, गवर्नमेंट्स भी प्रोग्रेसिवली इन्वेस्टर्स को एनकरेज कर रहे हैं कि आओ इंडिया में पैसे डालो, तो द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अवर इन्वेस्टर्स और फॉरेनर्स अबाउट इंडिया इज नाउ बिकमिंग पॉजिटिव, सो डेफिनेटली दे विल वॉन्ट टू पुट मनी इन इंडिया, बिकॉज दे वॉन्ट टू पुट मनी, इंडियाज करेंसी विल बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे विल हैव टू पुट इट इन लोकल मनी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर उनको लगता है अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आएगा 2019 में, तो देखना तभी क्या होता है, उस सिचुएशन में अगर लगता है ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहने वाला है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, लेकिन अगर उस टाइम पे कुछ ऊपर नीचे हो गया और लगा कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने वाला है
तो डेफिनेटली फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑपोजिट हो जाता है और लोग पैसा निकालना शुरू करते हैं. एग्जाम्पल अगर आपको स्टडी करना हो ना तो लुक एट 12, 13 and 14 2012, 2013 and 2014 का डेटा. उस टाइम पे है ना मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के स्कैम्स बाहर आए थे तो उस टाइम पे ना थोड़ी अनसर्टेंटी बढ़ गई थी देश में कि भाई अब होगा क्या, व्हाट विल हैपन, हु विल बी द नेक्स्ट गवर्नमेंट, हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट. 2013 में 12 एंड और 13 में नरेंद्र मोदी वॉज देन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट फॉर PM एंड दैट्स व्हेन द सेंटिमेंट स्टार्टेड बिकमिंग पॉजिटिव. 14 तक इट वॉज नेगेटिव. May 14 में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स इट स्टार्टेड बिकमिंग पॉजिटिव. वाई? बिकॉज not because of any political party or anything like that, but economically the investors were not sure of what will happen next, who will form the government, whether the government will be strong or not, whether the government will be able to take some steps or not. Okay, because all the investors want is return for their money. When they see okay country progress kar raha hai, return milne wala hai, demand aata hai, mehngai badhne wali hai, development nahi ho raha hai, paisa sab nikal jata hai, right? All of you. So future expectations play a key role in determining the demand and supply. This demand and this supply both are measured to get an equilibrium foreign exchange rate. Demand supply दोनों को अपन, मैंने बोर्ड पे सब पॉइंट्स डाले, दोनों को अपन मेजर करते हैं टू गेट एन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का डायग्राम सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा जैसे मैंने बोर्ड पे अभी बनाया है. ओके, the one thing that we have to study now is change kab hota hai. See, tum logo ko agar yaad ho to hum log ne na ek concept padha tha demand mein, demand supply mein, I mean wo demand supply market economics mein, yaad hai kya variation aur change, yaad hai kya? Wo hum log ne ek curve banaya tha. अगर पॉइंट कर्व पे ऊपर नीचे होता है तो वेरिएशन होता है. ये वेरिएशन प्योरली डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है. प्योरली डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा सप्लाई उतना ही है प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा सप्लाई उतना ही है प्राइस घटेगा, सप्लाई बढ़ेगा प्राइस घटेगा, सप्लाई घटेगा प्राइस बढ़ेगा. तो वो क्या है मालूम है, मूवमेंट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेम कर्व है, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्योरली बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड बढ़ा सप्लाई स्टेबल है प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई घटा डिमांड स्टेबल है प्राइस घटेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना, याद है कि नहीं है. सेम टू सेम कॉन्सेप्ट फॉरेन एक्सचेंज में अप्लाई होता है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट. हम लोग अभी पढ़ रहे हैं शिफ्ट इन फॉरेन एक्सचेंज, शिफ्ट फॉरेन एक्सचेंज की प्राइसेस या फॉरेन एक्सचेंज का इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्यों होता है, शिफ्ट क्यों होता है इज वॉट वी आर सपोज टू स्टडी. अगर आप लोग अपनी बुक्स में देखोगे ना तो दो तीन ग्राफ्स दिए, कंफ्यूज मत हो जाओ, ग्राफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ओके, इट इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. ओके, सपोज अगर हम लोग बात करें, ऐसा ही कुछ तो डायग्राम दिया है, खाली द डिमांड कर्व डज नॉट मीट द एक्सेस, ऐसा डायग्राम दिया है. ठीक है, मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये मेरी डिमांड है, ये मेरा सप्लाई है. ठीक है, अब व्हेन डू यू थिंक द प्राइस विल राइज, व्हेन डिमांड इज इंक्रीजिंग, डेफिनेटली ना प्राइस विल शिफ्ट, व्हेन डिमांड इज इंक्रीजिंग प्राइस विल शिफ्ट, जाहिर सी बात है. सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस विल डिक्रीज, है ना. तो दैट इज वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर ऑल्सो, है ना. तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है. इफ यू वांट इट आई कैन, वी विल ट्राई एंड मेक अनदर वीडियो ऑन इट एंड विच विल एक्सप्लेन यू इन ग्रेटर डिटेल, बट करेंटली इट्स नॉट रिक्वायर्ड. वी ऑल नो दैट व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड देर इज लेसर सप्लाई प्राइस इंक्रीजेस, बट एट द सेम टाइम देर आर सम पीपल हु विल नॉट बाय नाउ. व्हाई? डिमांड बढ़ गया, सॉरी प्राइस बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड ऑटो करेक्ट हो जाएगा. सेम इज द केस विद सप्लाई, प्राइस घटेगा बहुत लोग नहीं निकालेंगे, क्यों भाई प्राइस घट गया है हमको नहीं मतलब मजा आ रहा है, ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगा प्राइस वापस बैलेंस हो जाएगा. अंडरस्टैंड, डिमांड सप्लाई वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. एक चीज हम लोग को यहां पर यह पढ़ना है कि भाई शिफ्ट क्यों होता है, शिफ्ट है ना, शिफ्ट में
वेरिएशन में तो अपने को पता है डिमांड सप्लाई की वजह से यही पॉइंट ऊपर नीचे होगा, लेकिन लेकिन पूरा का पूरा शिफ्ट कैसे हो सकता है? जैसे सप्लाई कर्व यहां आ गया, डिमांड कर्व यहां चला गया, याद है ना? शिफ्ट, डिमांड कर्व ऊपर बढ़ गया, सप्लाई कर्व नीचे हो गया. दैट माइट बी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस. ओके, रीजंस लाइक सडन एक्सपोर्ट्स इंक्रीजिंग फॉर वन पर्टिकुलर ईयर, सडन इंपोर्ट्स इंक्रीजिंग फॉर वन पर्टिकुलर ईयर, हो सकता है, हाईली हाईली पॉसिबल, राइट? तो यहां पे ये सब का डिटर्मिनेशन है ना, है ना? ये देखो, ये शिफ्ट का डायग्राम है. द लास्ट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट वी आर सपोज टू स्टडी इज फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज. चेंज क्यों होता है? वेरिएशन तो ठीक है, बट चेंज क्यों होता है? व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट, ये शिफ्ट कैसे आता है ना? तो मैं यहां लिख रहा हूं, या छोड़ो, चार ही पॉइंट्स है तो मैं इसके ही नीचे कंटिन्यू करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये देखो, पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन. दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ. तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट्स. एंड चौथा पॉइंट है अदर फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट, अदर फैक्टर्स. लेट अस डिस्कस दिस फोर पॉइंट्स इन डिटेल. पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन में क्या होता है? आपके कंट्री की चीज महंगी होती है ना? तो मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोगों को शायद वो एग्जांपल से समझ जाए फटाफट, ठीक है? अब इंडिया में मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, यूएसए में इट इज स्टेबल. तो ऑब्वियसली इंडिया की चीजें महंगी हो गई, इंडियंस गुड्स बिकम कॉस्टलियर. सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, प्लीज पार्डन मी, है ना? कॉस्टलियर हो जाते हैं इंडिया के गुड्स, तो डेफिनेटली यूएसए से इंडिया के गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी. यूएसए से इंडिया के गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, अपने आप एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब करेंसी आनी कम हो गई. अब यूएसए के गुड्स सस्ते हैं ना, इंडिया के गुड्स महंगे, तो इंडियंस और यूएसए के गुड्स डिमांड करेंगे, इंपोर्ट बढ़ेगा. इंपोर्ट बढ़ेगा तो अपने आप करेंसी की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी. करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो ये शिफ्ट आएगा ना, शिफ्ट आएगा, और सप्लाई नीचे चला जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा. आर यू गेटिंग? इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स ऑफ सच शिफ्ट्स. इन्फ्लेशन अगर, क्योंकि इन्फ्लेशन इज एन इट्स एन इंडिपेंडेंट थर्ड फैक्टर, डिमांड सप्लाई के ऊपर नहीं है, इन्फ्लेशन एक अलग ही फैक्टर है. इन्फ्लेशन की वजह से और आगे ये होते, तो इन्फ्लेशन की वजह से मूवमेंट नहीं होता है, शिफ्ट होता है पूरा का पूरा कर्व में. नंबर वन. सेकेंड फैक्टर दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होता है, जो कंट्री कॉन्स्टेंटली अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है ना, उस कंट्री में पैसे जाते हैं, उस कंट्री में लोग इन्वेस्ट करते हैं. लाइक इंडिया इन द लास्ट 3-4-5 इयर्स कांस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ. तो हाँ ठीक है, धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया में आना शुरू हो गया. जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलते हैं ना, वहां पे इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा डालते हैं. वेर एवर देर आर हायर इंटरेस्ट रेट्स, डेफिनेटली यू वॉन्ट टू अर्न मोर, सो यू विल पुट मोर मनी इन द कंट्री वेर द इंटरेस्ट रेट्स आर हायर. ठीक है, तो आज की तारीख में जापान और यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? जापान और यूएसए से बोरो करते, इंडिया में रखते एफडी, इंडिया से कमाते, वहां के बैंक का लोन का इंटरेस्ट चुकाते और खुद अपना डिफरेंशियल साइड पे रखते. ये हम लोग ने किया भी है कॉन्सेप्ट. लेकिन इन्वेस्टर्स है ना, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स नहीं देखते. इन्वेस्टर्स क्या देखते? रियल इंटरेस्ट रेट, यानी नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन. रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, उस कंट्री की करेंसी का डिमांड ज्यादा होगा. रियल इंटरेस्ट रेट कम होगा, उस कंट्री की करेंसी थोड़ी वीक होगी, डिमांड कम होगा. एंड लास्टली पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि नहीं, लीडर कौन है, लीडर्स क्या कर रहे हैं, देश में कहीं भी कोई भी एनार्की नहीं है. ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे ड्राइव द कंट्री एंड दे मेक इट मोर अट्रैक्टिव
for the investors or for the foreigners to come, and that is why then the demand of the local currency increases. So these are the four factors that might affect such a kind of shift in the foreign exchange rate equilibrium, right? All of you. So hum log ne ye chapter mein basically ye particular video mein we studied demand, we studied supply, we studied what constitutes demand or what are the factors affecting demand and supply, how is the equilibrium made, equilibrium aata kaise, equilibrium pe shifts ya variations kaise hote, what exactly is foreign exchange as a commodity, how it should be treated, and then finally we studied how can certain factors impact this particular kind of shift. This is a very small chapter, not much to be done over here. If you want the charts and the graphs exactly from the book, however, there will be a PDF which we might be making it available on the website. So you can log on to the website and take down charts that might be there for such kind of diagrams, and with examples they might be. Okay. So we will end it over here. We have almost completed this concept of, we have in fact not almost, we have completed the concept of exchange rate determination. When I meet you in the next class, we will understand how RBI intervenes in making sure that this particular exchange rates stay very stable. Fine. So we will meet next. Thank you.